इसलिए उसको अगर वोट दे रहे, सब हमारा जो है ना, ये नहीं है कि हम किसी के साथ दुश्मनी कर रहे हैं या किसी के नापसंद है, कोई भी नापसंद नहीं है। 2024 भी आने वाला है और इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो वोट किसको देने जा रहे हैं? वोट तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बेटा हुआ है ना उसको दे दे, इमरान खान अच्छा, इमरान खान को देंगे वोट। इंशाल्लाह। खान साहब के कोई अच्छे काम जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किए हों? उसका बात ही अच्छी है। हम नहीं, इंशाल्लाह पीपल को देंगे, किसको? पीपल को, पीपल को, पीपल्स पार्टी को। अच्छा, हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बोला कि भाई तुम वोट जमाते इस्लामी को देना, दूसरे को नहीं देना। ये वो तो एलपी है ना। अच्छा, एलपी वाले एलपी को दे रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना आमिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आमिर के साथ। तो आज मौजूद हूं मैं बनारस में, NA 245 का हल्का यहां पर लगता है। तो यहां हम इस मकसद के लिए आए थे कि लोगों से रिव्यू लें कि इलेक्शन आने वाले हैं, यहां पर लोगों से रिव्यू लेंगे कि आने वाले इलेक्शन में ये किसको वोट देने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो से अपडेट आपको मिलती रहे। तो चले आज का व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। सर, इलेक्शन आने वाले हैं तो वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई को। कोई खास वजह? बस सही है। नहीं, कोई खास वजह कोई पीटीआई को वोट देने की? बंदा सही है। बंदा सही है, किस तरह सही है? कोई इसने क्या काम किया? हर काम किया है पेशावर के लिए। क्या क्या काम किया हमें भी बता दें। हर के अस्पताल बनाया है, अमर अस्पताल बनाया है, हर चीज का है पेशावर। अच्छा, करोड़ों रुपए लगाता है। कोई उसके प्रोजेक्ट जो उसने किए हो? एक तो आप कह रहे हैं अस्पताल बनाया, तो इसके अलावा कुछ उसने किया हो? फिलहाल तो अस्पताल बनाए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंसानियत, हर चीज़ इंसानियत पे डिपेंड करती है। जब किसी इंसान में इंसानियत हो तो इंशाल्लाह हर बंदा उसका साथ देगा। तो हम इसलिए उसको अगर वोट दे रहे, सब हमारा जो है ना, ये नहीं है कि हम किसी के साथ दुश्मनी कर रहे हैं या किसी के नापसंद है, कोई भी नापसंद नहीं है। लेकिन जिस बंदे में इंसानियत होना थोड़ा सा बहुत, तो बंदा उसको वोट देता है। क्यों बंदा दिल चाहता है कि मैं इसको वोट दूँ? क्या वो मेरा दुश्मन है? नहीं, क्योंकि हर इंसान को, हर एक इंसान को नज़र से देखना चाहिए कि हाँ यार, मैं इंसान हूँ, क्या हुआ अगर बड़ा है? अल्लाह ने माल दिया है आपको, किसी और ने तो नहीं दिया ना, अल्लाह ने दिया ना माल। तो अल्लाह ने माल दिया, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है। जो गरीबों का ख्याल रखता है, लाजिमी बात है, जब आप गरीबों का साथ देगा तो लाजिमी आपका साथ देगा, देगा ना भैया? इस तरह बात है। बड़े भाई ने बोला सही है, तो इसलिए मैंने किया। वो उसकी बात कोई अल्फाज नहीं थी, तो माफी चाहता हूँ गुस्ताखी। नहीं नहीं, कोई और चलो सलाम। जनाब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे छोटा सा सवाल है कि 2024 भी आने वाला है और इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो वोट किसको देने जा रहे हैं? वोट तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बेटा हुआ है ना उसको दे दे। कौन बैठा हुआ जरा खुल के बता दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके नाम पे बोला तो अच्छा है। नहीं, अगर आप चाहने वाले भी हैं, इमरान खान। अच्छा, इमरान खान को देंगे वो। खान साहब के कोई एक दो काम बता दें जो उन्होंने अच्छे काम किए हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सवाद में बहुत अच्छे अच्छे काम किया। उधर जो हमारा घर ना रोड नहीं बना हुआ था, उसमें अभी गाड़ी भी चला था। हम पहले गद्दे के ऊपर जा रहा था, अभी गाड़ी के ऊपर जा रहा है। खान साहब के कोई अच्छे काम जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किए हों? बस उसका बात ही अच्छी है, बाकी जो भी है सब एक ही मम्मा का अलवाद है ना, मगर बात सही कर रहे हैं। नहीं, उसके कोई काम होंगे ना कि जिसने अपने दौरा हुकूमत में तरक्याती काम किए हों? तरक्की काम ये कि सेहत कार्ड बना दिया गरीबों के लिए, उसके अलावा उस गरीबों के लिए कोई चंदा मुकर्रर कर दिया उसने, ये अच्छे काम है उसका। ये दो अच्छे काम किए उसने। वोट इमरान खान का इंशाल्लाह। कि इलेक्शन आ रहा है तो वोट किसको दे रहे हैं? किसी को नहीं दे रहे। नाराज है? हाँ नाराज। किससे नाराज? किसी भी से नाराज। किसी से नाराज? हम इंशाल्लाह पीपल को देंगे। किसको? पीपल को, पीपल को, पीपल्स पार्टी को। अच्छा, जाले हैं आप? अच्छा, कोई मतलब उसका काम जो उन्होंने किया हो पीपी वालों ने, अच्छा काम, तरक्याती काम? पीपी वाले ने क्या किया? अब वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह ताला इमरान खान को। इमरान खान को वोट देंगे? कोई वजह उसकी? वो इमरान खान को देने? वजह इसकी ये ईमानदार शख्स है,
गरीबों का बोलबाला है और मुल्क में काम किए, इंटरनेशनल लेवल पे माना हुआ लीडर है। यानी जो काम ने देखा है, आंखों से देखा है, कानों से सुना है, वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। वो नहीं बता रहे हैं कि जो नहीं दिया, हाँ भाई फलाना, ये वोट लेने के लिए तो हर एक आ जाते हैं, 70 साल से वोट ले रहे हैं, क्या किया, किया क्या? जिसने ये मुल्क बनाया उस कायद की तस्वीर फोटो बना के नकली नोट छाप के रोड पे फैलाते, हुकूमतें क्या की? कायद की तस्वीर बाहर मुल्कों में देखो, नोट पे लिखा हो तो नहीं लेते, यहाँ कायद आजम की तस्वीर पे लिखे लिख के रोडों पे बांटा जाता है। ये एजुकेशन, ये तालीम नहीं। मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, लेकिन एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बोला कि भाई तुम वोट जमाते इस्लामी को देना, दूसरे को नहीं देना। यकीन करें आप, हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले गए, उन्होंने बोला जमात इस्लामी के अलावा वोट किसी को नहीं देना, हम देते रहे। दरख्वास्त है कि 25 तारीख को कराची का इज्तिमा है, सबसे दरख्वास्त है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के खैर से नहीं होता। यही हमारा ईमान और अकीदा है कि सब आवाम जो ना इज्तिमा में शिरकत करे, इंशाल्लाह। बस सही है, वोट जो हमारे मुकद्दर में होगा, जिसको हमने दिया तो दिया। वैसे किसको देने का इरादा है? देना तो इंशाल्लाह इमरान को देंगे, क्योंकि इमरान खान ने हमारी जगह में बहुत काम किया, उलमा भी हमारी जगह में पीटीआई से खड़ा है, ठीक है, बहुत काम किया उसने, रोडों का काम किया, मरकज भी बनाया है माशाल्लाह, स्कूलों का निज़ाम भी ठीक किया, पुलिस का निज़ाम भी ठीक किया, सब कुछ ठीक किया, वोट भी इंशाल्लाह इमरान खान का। 8 फरवरी है, इलेक्शन का टाइम आने वाला है, 2024 भी आने वाला है, तो वोट किसको देने का इरादा है? वोट इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। इमरान खान जी, कोई खास वजह इमरान खान को वोट देने की? बस यार वो काबिल है वोट देने, काबिल है, काबिल है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई उसके ऐसे काम जो उसने किए हो जिसको हम भी कहें कि हाँ जी इस वजह से हमें भी वोट देना चाहिए? उसने माशाल्लाह बहुत सारे काम किए, अल्लाह का शुक्र है, सब गरीबों के लिए किए, सेहत कार्ड बना दिया और हॉस्पिटल बना दिया उसके लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम उसको सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। अच्छा, 8 फरवरी आने वाला है, 2024 भी आने वाला है, तो इलेक्शन भी आने वाला है, तो वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो हमारा खान साहब का है। खान साहब का है, तो खान साहब को वोट देने की कोई खास वजह? खास वजह ये है कि जो आप हालात है सबके सामने, तो इंशाल्लाह बेहतरीन आएगा हमारे सामने, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। कोई उसके ऐसे काम जो उसने तरक्याती काम किए हों वो हमें बताएं? वो केपीके में हमारे लिए बहुत कुछ चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये 8 फरवरी आ रहा है, 2024 भी आ रहा है, तो वोट किसको दे रहे हैं? इलेक्शन भी आ रहे हैं, वोट तो हमारा पुराना जो पार्टी है वो तो एलपी है ना। अच्छा, एलपी वाले एलपी को दे रहे हैं। तो आज हम आए हुए थे बनारस, तो यहाँ पर आने का मकसद ये था कि यहाँ पर लोगों से जो राय ली जाए कि जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस हवाले से हमने लोगों से राय ली है कि वोट किसका है और लोग वोट किसको देना चाह रहे हैं। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पब्लिक से राय ले रहे हैं। हम नेक्स्ट और भी इलाकों में इंशाल्लाह इस तरह का रिव्यू लेंगे, जैसे कि शाह फैसल, मलिर और दीगर इलाकों में। तो कमेंट बॉक्स में अपने इलाके का नाम बताएं और सजेशन दें कि हम किस इलाके में सर्वे करें। आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं, तो एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।